अमेरिका के वर्जीनिया राज्य में मास शूटिंग में कम से कम 12 लोग मारे गए हैं जबकि 6 जख्मी हुए हैं। हमलावर म्युनिसिपल सेंटर का एक कर्मचारी है जो अपने विभाग से नाराज चल रहा था। अमेरिका के वर्जीनिया राज्य की एक सरकारी इमारत वर्जीनिया बीच म्युनिसिपल सेंटर में मास शूटिंग हुई है। इस हमले में कम से कम 12 लोगों की मौत हुई है जबकि 6 की हालत नाजुक बनी हुई है। हमलावर 40 साल का डेवेन क्रैडॉक पेशे से इंजीनियर है जो अपने विभाग से नाराज चल रहा था। उसने शुक्रवार की शाम तकरीबन 4 बजे अपने ही कार्यस्थल पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। वर्जीनिया बीच के पुलिस प्रमुख जेम्स सर्वेरा के मुताबिक जवाबी कार्रवाई में हमलावर की मौत हो गई है। उसके पास से 2 बंदूकें बरामद हुई हैं। वर्जीनिया के गवर्नर राल्फ नॉर्थम ने इस हमले को बेहद दुखदायी करार दिया है। उन्होंने कहा कि यह वर्जीनिया बीच और पूरे कॉमनवेल्थ के लिए त्रासदीपूर्ण दिन है। इस गोलीबारी के शिकार हुए लोगों और उनके परिजनों से गहरी संवेदना है। वर्जीनिया बीच के मेयर बॉबी डायर ने इसे शहर के इतिहास का सबसे त्रासद दिन करार दिया है। वर्जीनिया के सेनेटर टिम केन ने कहा कि इस हमले ने उन्हें हिलाकर रख दिया है। उन्होंने कहा कि जिन्होंने अपने करीबियों को खोया, मैं पूरी तरह उनके साथ हूं। जो इस हमले में जख्मी है, मैं उनके जल्दी ठीक होने की कामना करता हूं। अमेरिका में गोलीबारी की घटनाओं को दर्ज करने वाली वेबसाइट गन वायलेंस आर्काइव के मुताबिक ये 2019 में मास शूटिंग की 150वीं घटना है और पिछले साल नवंबर के बाद ये सबसे बड़ा हमला है। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज़।